हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन पांडा विद पू। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी आईज पर कैसे मेकअप करें जिससे आपके आईज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बिग लगें। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने मेकअप किया हुआ है और मेरी आंखें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं। तो हम जल्दी से देखते हैं कि कैसे अपनी आईज़ को हम बड़ा दिखाएं बिना कोई पैसे खर्च किए हुए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आँखों पर लगाना है प्राइमर। तो प्राइमर से क्या होता है ना, हमारे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं, जिससे मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लगता है और आपका आईज़ का बेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहता है, जिससे आपकी आईज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। तो इसके बाद मैं यूज़ करूँगी आईब्रो पेंसिल। तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट हैव थिंग है, अगर इसके बिना आप अपनी आईज़ पे मेकअप करते हैं तो उतना अच्छा लगता नहीं है। इस तरीके से अपनी आईज़ को आईब्रोज़ को फिल करिए। तो इस तरीके से हल्के हाथों से जेंटली करना है ताकि आपके आँखें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक ना लगे बिल्कुल भी। तो आपको इस तरीके से जहाँ जहाँ गैप है, जहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स नहीं है, वहाँ पे उनको फिल करना है और अपने कॉर्नर एरिया पे इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रोक देना है, यानी आपको वर्टिकल देना है। तो इस तरीके से आपको बस फिल करना है। तो हल्के हाथों से आप बिल्कुल इसको फिल करिए, उसके बाद आपकी आईज़ आप खुद ही डिफरेंस देख पाएंगे कि कितनी ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं पहले से। इस तरीके से आपको अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। तो मैं एले प्रो का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से आपको अपने आईज़ पे लगाना है। तो कंसीलर क्या करता है, हमारे जो पिगमेंटेड एरिया है ना उनको बिल्कुल अनइवन एरिया को बिल्कुल इवन कर देता है। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है और इससे अगर आपके एक्स्ट्रा आईब्रोज़ पे कुछ लग गया है तो वो भी क्लीन हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आपको अपने आईज़ पर ब्लेंड कर लेना है इसको। तो इससे क्या होता है ना, हमारे आईज़ की बहुत अच्छी बेस बनती है और बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं डिफरेंस कि मेरी आईज़ अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी और अट्रैक्टिव भी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन इसलिए लगाना ज़रूरी क्योंकि आपने अपनी फेस पर फाउंडेशन लगाया हुआ है। अगर आप अपनी आँखों पर फाउंडेशन नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपके आईज़ का कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो आप बिल्कुल भी चांस मत लीजिए। उसके बाद आपको यूज़ करना है न्यूड पेंसिल। ये आई पेंसिल गेम चेंजर है। अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया है ना न्यूड, तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि आपकी आँखें बड़ी लग पाएंगी विदाउट लेंसेज। तो इस तरीके से आप अपनी आँखों पर इसको लगाइए। आप अपनी वाटर लाइन में इसको लगाएंगे तो आपकी आईज ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बड़ी दिखने लगेगी पहले से, तो अभी देख सकते हैं डिफरेंस। उसके बाद आपको लगाना है थोड़ा सा शिमर। तो मेरा कलर सेंस का शिमर है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही पिगमेंटेड है। तो इस तरीके से आप अपनी आँखों पे जब लगाएंगे ना तो थोड़ा सा शिमरी लुक क्या करता है ना, हमारी आँखों को इन्हांस कर देता है, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और थोड़ी सी बड़ी भी लगने लगती हैं। तो इस तरीके से बस आपको हल्का सा लगाना है, कोई बहुत ज़्यादा आई शेडो वगैरह नहीं लगाना है। तो आप इसको अगर डेली भी कहीं घूमने जा रही हैं, बाहर मार्केट में जा रही हैं, तो आप इस तरीके से अपनी आईज़ पर इसको अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर। तो आपको थोड़ा सा विंक बनाना है। तो विंक से क्या होता है, हमारी आँखें थोड़ी सी ज़्यादा ड्रामेटिक और बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लगती हैं, तो विंक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको इस तरीके से हल्के हाथों से लगाना है, कोई भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं देना है जिससे आपकी आई मेकअप ख़राब हो जाए। बस हल्के हाथों से इसको जेंटल तरीके से अप्लाई करना है, तो आपकी ये विंक बन जाएगी। तो देख सकते हैं अभी मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है, उसके बाद भी मेरी आंखें आप देख सकते हैं। लास्ट में आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगी अपनी विदाउट मेकअप और मेकअप के साथ, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी आंखें कैसी लगती हैं। उसके बाद मैं यूज़ करूंगी काजल। तो मेरा ये काजल फेसेस कैनेडा का अल्टीमेट प्रो काजल है। ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, बिल्कुल हल्का सा लगाने पर ये बहुत अच्छा सा स्ट्रोक बना देता है। तो आपको अपनी वाटर लाइन के नीचे काजल लगाना है, वाटर लाइन में नहीं लगाना है, अदरवाइज़ आपकी आँखें और छोटी लगने लगेंगी। तो इस तरीके से अप्लाई करने के बाद ना आपकी आँखें खुद ही डिफरेंस देख पाएंगे आप कि कितनी ज़्यादा आपकी आँखें बड़ी लगने लगी है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो कोई भी काजल हो उसको आपको कंसील करना है। किससे कंसील करना है, आपको आईलाइनर से। तो आईलाइनर क्या होता है, अगर आप अपनी काजल के ऊपर लगा लेते हैं ना तो आपका काजल बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारे आँखों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये लैशेस कर्लर। तो इससे हमें हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा अच्छा ये कर्ल दे देता है हमारी आईलैशेस को। तो हम मस्कारा लगाएंगे उसके बाद। तो मेरा ये मेबलिन का है,
मस्कारा काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इससे आ जाता है। तो इसके बाद हम अपनी आंखों पे आईलैशेस लगाएंगे, बट उससे पहले आपको अपनी आंखों को कर्ल अपनी लैशेस को कर्ल करके लगाना है। तो आपको आईलैशेस ऐसी लेनी है जो बहुत ज़्यादा थिक ना हो। अगर बहुत ज़्यादा थिक ले लेंगी तो उससे आपकी आंखें थोड़ी सी छोटी भी लगने लगेंगी। तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। प्लकर की मदद से ना बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अप्लाई कर लिया। उसके बाद फिर से मैं अपनी आंखों पे मस्कारा लगाऊंगी और अभी ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं मेरी आंखें कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करना है आपको। तो मैं अपने आई शेडो से ये हाइलाइटर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉर्नर एरिया में इसको लगाना है, अपने आई कॉर्नर पर। अगर हाईलाइट करेंगे ना तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी, जिससे वो बड़ी भी लगेंगी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेंगी। तो अभी मैंने फुल अप्लाई कर लिया है इसको। तो आप देख सकते हैं मेरी आंखें कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव, और मेकअप के साथ भी देख सकते हैं और विदाउट मेकअप भी देख सकते हैं कि मेरी आंखें बड़ी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। तो आपको इसी तरीके से करना है जिससे आपकी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।